WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है और वो डायबिटिक हैं, उन्हें डायबिटीज है। और 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में उन्हें भी डायबिटीज हो जाएगी। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज होने के बाद हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज होती क्यों है? डायबिटीज होने का पहला कारण है खराब लाइफस्टाइल। अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं है तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ईटिंग हैबिट्स अच्छी ना होना, जंक फूड खाते हैं तो डायबिटीज हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक होता है तो मोटापा अगर उन्हें है तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके एंसेस्टर्स में, अगर आपके फैमिली की हिस्ट्री में अगर किसी को डायबिटीज थी तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज हो जाए। अब डायबिटीज का एक पहलू तो ये है कि पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, धीरे धीरे शरीर को खत्म करती है। अब लेकिन दूसरा जो पहलू है वो आर्थिक है, फाइनेंशियल ट्रबल जो उस फैमिली को, उस परिवार को फेस करना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज का ट्रीटमेंट कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? रेगुलर डॉक्टर विजिट्स रहती है, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, डाइटरी एक्सपेंसेस हैं, डाइट रेगुलेट करनी पड़ती है, उसका खर्चा है, इंसुलिन का खर्चा है, अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, डायलिसिस के एक्सपेंस, अगर नो पर डायलिसिस तक आ जाती है तो महीने में 2-3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और डायलिसिस सस्ता प्रोसीजर नहीं है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो किसी बॉडी पार्ट पर होता है वो है किडनी पर। किडनी के ऊपर अगर इसका असर होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है, जो कि बहुत महंगा ऑपरेशन है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है? अगर आपको डायबिटीज हो जाती है, परिवार में किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो वो अपने एक्टिव लाइफस्टाइल से आप उसे मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे की नौबत आती है, यानी जो खर्चे की, बहुत ज्यादा खर्चा आपका बढ़ जाता है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये आपको सेफ्टी देगा ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस से, यानी जो खर्चे हैं इलाज के उनसे ये आपको बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेजर जितने भी प्रोसीजर्स होंगे वो कवर्ड हैं। कोई भी वेटिंग पीरियड आपको नहीं मिलेगा, जो डायबिटीज स्पेसिफिक प्लान है, जैसा कि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, इन प्लान्स के अंदर वेटिंग पीरियड नहीं होता, यानी कोई भी टाइम आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है किसी भी इलाज के लिए जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। और चौथा, ये पूरी फैमिली के लिए पीस ऑफ माइंड, यानी कि शांति तो है ही, कि वो पैसा तो एटलीस्ट उन्हें जेब से नहीं पे करना पड़ रहा है। भाई पेशेंट परेशान है उसमें तो देखो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पैसे की मार, पैसे का बर्डन तो उनके ऊपर नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे, जानेंगे, समझेंगे HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का डायबिटीज स्पेशलिस्ट प्लान, नाम है एनर्जी। क्या क्या खास आज की वीडियो में? सबसे पहले इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी जानेंगे, यानी कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, क्या एज ग्रुप है, कितना सम इंश्योर्ड आप ले पाएंगे। इसके अंदर 2 वेरिएंट है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड महंगा है, सिल्वर प्लान जो है वो सस्ता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि जो सस्ते वाला वेरिएंट है अगर वो भी आपके काम का है तो वो भी आप ले सकते हैं, ज्यादा पैसे आप गोल्ड प्लान के लिए पे ना करें। यानी इन दोनों प्लान्स को समझकर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्लान आपको लेना है। वेटिंग पीरियड क्या है, यानी किस इलाज के लिए कितना टाइम आपको वेट करना होगा, ताकि पॉलिसी खरीदने से पहले ही आपको सही अंदाजा हो। एक्सक्लूजन्स, यानी कौन कौन से इलाज इस पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में है इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि पॉलिसी खरीदते टाइम किन जरूरी बातों का आपको बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं HDFC अर्गो का एनर्जी प्लान क्या है। सबसे पहले बारी आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के अंदर कौन इसमें कवरेज ले सकता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल, देखिए शब्द आया है इंडिविजुअल, यानी फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं है, इसको अकेले इंसान को लेना होगा। जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी है, वो ये प्लान ले सकते हैं। 18 से 65 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए, उन्हें कोई भी डायबिटीज़ हो वो ले पाएंगे। हाइपरटेंशन की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, तो वो इसे ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड के ऑप्शन क्या है, यानी कितने कितने रुपए की पॉलिसी ले पाएंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 2 लाख रुपये से लेकर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। वेरिएंट, यानी कि इसके अंदर 2 वेरिएंट हैं, गोल्ड और सिल्वर, 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। डिफरेंस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब पहली बारी आती है कवरेज की, कौन कौन से खर्चे इसमें कवर होंगे। इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी जिस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट एडमिट होता है वो खर्चे कवर किए जाएंगे। ऐसे कौन से खर्चे होते हैं इसमें, पहला नाम है हॉस्पिटल और रूम रेंट का, यानी हॉस्पिटल में रुकने का, रूम रेंट के चार्जेस हैं वो कवर होंगे। नर्सिंग के चार्जेस कवर होंगे, ICU के चार्जेस कवर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर फी, डॉक्टर की जो फीस होती है वो कवर होगी, एनेस्थीशिया, ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल अप्लायंसेज, मेडिसिन, ड्रग, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड अदर डिवाइस और इक्विपमेंट इफ इम्प्लांटेड इंटरनली ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी सर्जरी भी इंक्लूड की जाएगी अगर उसके अंदर कोई इम्प्लांट लगते हैं सर्जरी के दौरान, तो वो भी इसके अंदर कवरेज आपको मिलेगा। अब बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की, यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कोई भी क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका एडमिट करती है, अप्रूव करती है, उससे 30 दिन पहले के खर्चे कवर होंगे और 60 दिन बाद के, डिस्चार्ज होने के बाद के 60 दिन के खर्चे भी कंपनी कवर करेगी, बशर्ते कंपनी ने वो क्लेम आपका अप्रूव किया हो। इसमें दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, टेस्ट, ये सारे खर्चे भी आप कवर कर सकते हैं।
अगर ये क्लेम आपको, ये क्लेम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का आप नहीं ले सकते, अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया है, अगर आपकी कंडीशन कुछ और थी, यानी जिस ट्रीटमेंट का आपने इलाज लिया है वो कुछ और था, और जो ये खर्चे आप क्लेम कर रहे हैं ये किसी और ट्रीटमेंट के हैं, तो इस तरह भी आप कवरेज नहीं ले पाएंगे। अगली बारी आती है डे केयर प्रोसीजर की। डे केयर प्रोसीजर वो छोटे छोटे सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर होते हैं जिनमें पेशेंट को 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता, 2-3-4 घंटे में ये कवरेज हो जाती, 2-3-4 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाती है और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, ये भी इसके अंदर कवर्ड रहेंगे। क्या कवरेज नहीं मिलेगी? ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी पेशेंट ने आया, दिखाया और दवाई ली और वापस चले गए, ये ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर नहीं है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर नहीं की जाएगी। अगर सिर्फ जांच करवाने के लिए एडमिट हो जाते हैं, यानी कोई इलाज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जांच करवाने के लिए कोई ड्रग की, दवाई की या कोई भी टेस्ट करवाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर एडमिट होते हैं, तो वो भी कवरेज इसके अंदर नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी ऐसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाते हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ पे कोई प्रोसीजर करवा लेते हैं, जैसे कोई देसी नुस्खा वगैरह से आप कोई प्रोसीजर करवा लेते हैं, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। अब दोस्तों बारी आती है ऑर्गन डोनर की। मैंने बताया था कि इसमें जो सबसे क्रिटिकल ट्रीटमेंट है डायबिटीज के केस में वो है किडनी ट्रांसप्लांट, तो ऑर्गन डोनर की कवरेज भी आपको मिलती है, लेकिन ये कवरेज तभी मिलेगी जब आपका क्लेम एक्सेप्ट किया जाए, कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है। दूसरा, जो आपका ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये गवर्नमेंट के ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1994 के जो नॉर्म्स हैं उसके तहत एप्लीकेबल हो, उसके जो नॉर्म्स हैं वो आपने पूरे किए हों। और जो ऑर्गन डोनर का प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कवर इसके अंदर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस कवर, यानी एक्सपेंस अगर आपका कोई भी एम्बुलेंस का होता है तो 2,000 रुपये पर एडमिशन, यानी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है उसका क्लेम अप्रूव होता है, तो उसके 2,000 रुपये पर इवेंट आपको क्लेम के तौर पे मिलते हैं। एम्बुलेंस का खर्चा कब आपको नहीं मिलेगा? जब आपका क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट ना किया हो और जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो नॉन रजिस्टर्ड हेल्थ केयर या एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर से हो, यानी वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड ही ना हो, तो ये खर्चा आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बारी आती है रिस्टोरेशन बेनिफिट की, यानी जितना भी पैसा आपके पॉलिसी के अमाउंट में से इस्तेमाल होगा वो दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा अगले फ्यूचर क्लेम्स के लिए। जितना भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उस लिमिट तक वो पैसा दोबारा से रिफिल हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा साल में एक बार। जो टोटल बेसिक सम इंश्योर्ड है, क्यूमुलेटिव बोनस रिस्टोर सम इंश्योर्ड विल बी अवेलेबल टू इंश्योर्ड पर्सन फॉर ऑल क्लेम्स अंडर इन पेशेंट बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पॉलिसी एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सिंगल क्लेम इन ए पॉलिसी कैन नॉट एक्सीड द बेसिक ऑफ सम इंश्योर्ड एंड क्यूमुलेटिव बोनस। ये आपको ध्यान रखना है, रिचार्ज बेनिफिट रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिल तो जाएगा, लेकिन कोई भी अगर सिंगल क्लेम आता है, मान लो आपकी पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की और आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो हो गया 2 लाख रुपए और उसके अलावा रिस्टोरेशन बेनिफिट जितना आप इस्तेमाल करेंगे वो रिचार्ज हो जाएगा, तो कोई भी अगर क्लेम आता है वो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड उसके साथ में क्यूमुलेटिव बोनस इस अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। यानी रिस्टोरेशन बेनिफिट जो है वो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड जितने रुपए की आपकी पॉलिसी सिर्फ उसी को रिचार्ज कर सकता है, उसमें ऐड नहीं हो सकता। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस में क्यूमुलेटिव बोनस प्लस में रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये जो भी सम इंश्योर्ड बेसिक सम इंश्योर्ड आपका यूज होगा सिर्फ उसी लिमिट तक आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा दोबारा से फ्यूचर क्लेम्स के लिए साल में एक बार मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड। अगली कवरेज आती है HbA1c चेकअप बेनिफिट, यानी कि ये आपका एक ब्लड टेस्ट है जो आपको करवाना होता है। अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो 750 रुपये आप इंश्योरेंस कंपनी से रिइंबर्समेंट यानी क्लेम के तौर पे वापस पा सकते हैं। अब ये टेस्ट आप जनरली डायबिटिक पेशेंट्स को करवाना पड़ता है, अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो 750 रुपये आप दोबारा से कैशबैक पा सकते हैं, यानी कंपनी से रिइंबर्स करवा सकते हैं। कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है जो टेस्ट की डेट है वो पॉलिसी पीरियड के अंदर होनी चाहिए, भाई पॉलिसी खत्म होने के बाद करवाएंगे तो कैसे कंपनी देगी। दूसरा, पूरे साल के अंदर 2 इस तरह के रिइंबर्समेंट 750-750 रुपए के आप ले सकते हैं। तीसरा, एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के अंदर 3 महीने का गैप होना चाहिए, लगातार ऐसे नहीं कि एक हफ्ते करवा लिया दूसरे हफ्ते करवा लिया, 3 महीने का गैप किसी भी 2 टेस्ट के बीच में होना चाहिए। गोल्ड वेरिएंट के अंदर ये टेस्ट ऑलरेडी उनके हेल्थ चेकअप्स में कवर्ड है तो उसमें रिइंबर्स की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सिल्वर जो प्लान है उसके अंदर ये बेनिफिट आपको मिलेगा। गोल्ड में ऑलरेडी ये प्लान कंपनी पेड है, यानी कंपनी इस प्लान के पैसे पे करती है। अब दोस्तों बारी आती है क्यूमुलेटिव बोनस की, यानी अगर आप अपनी पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देती है। वो कितना बढ़ेगा? 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो अगले साल 11 की हो जाएगी, उससे अगले साल 12 की हो जाएगी, उससे अगले साल 13 की हो जाएगी। मैक्सिमम कितना बढ़ जाएगा? टोटल जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 100% तक। 10 लाख की पॉलिसी है तो 1-1 लाख बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 10 से 20 लाख का हो सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी। अगर कोई सिंगल क्लेम कभी आता है तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस में क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आपका ये पैसा इकट्ठा होकर 10 से 15 लाख रुपए का हो गया है तो आप टोटल 15 लाख रुपए का एक सिंगल क्लेम ले सकते हैं और ये बढ़ेगा कितना? 10% हर क्लेम फ्री ईयर पे और
आपको मैक्सिमम जाएगा बेसिक सम इंश्योर्ड के 100% तक। अगर कभी बीच में क्लेम आ जाता है तो घटेगा भी ऐसे ही, हर क्लेम के बाद ये 10% कम हो जाएगा। अगर 13 लाख था, 2 लाख का क्लेम आ गया, 10% उसमें से और घट जाएगा, आपका क्यूमुलेटिव बोनस उसमें से 10% सेम रेशियो में कम भी हो जाएगा। अब दोस्तों आता है इस प्लान का सबसे जो बेहतरीन फीचर, सबसे खास फीचर है जो कंपनी आपको देती है, वो है वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम में क्या है कि आपको कंपनी को साल में 2 बार अपने मेडिकल जो चेकअप है ना, हेल्थ चेकअप, वो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। पहला है हाफ ईयरली चेकअप, ये आपको अपने पॉलिसी ईयर में 4th और 5वें महीने में कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, पूरे बॉडी के टेस्ट की। वो कौन कौन से टेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो टेस्ट है वो एनुअल हेल्थ चेकअप है, वो पॉलिसी के 8वें और 9वें महीने के आसपास आप पॉलिसी ईयर में सबमिट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें आपके सारे बॉडी वाइटल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है गोल्ड वेरिएंट का और सिल्वर वेरिएंट का। जो ये टेस्ट आप करवाएंगे ना हाफ ईयरली और एनुअली, गोल्ड वेरिएंट के अंदर इनका खर्चा सारा कंपनी पेड है, यानी कंपनी के खर्चे पे ये टेस्ट होंगे। वो कैसे होंगे, आपको जो इनकी पैनल लैब्स हैं उनके अंदर जाना होगा, जो इनके जहाँ इनका टाइप है जिन लैब्स के अंदर HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का, वहाँ पे आपको जाना है और अपने टेस्ट करवाने हैं। अगर गोल्ड प्लान आपने लिया है तो कोई पैसा वहाँ पे आपको पे नहीं करना है। अगर आप किसी नॉन पैनल लैब में जाके ये टेस्ट करवाते हैं तो मैक्सिमम 2,000 रुपये एज ए रिइंबर्समेंट आप कंपनी से ले सकते हैं। सिल्वर वेरिएंट में ये सारा खर्चा इन दोनों ही टेस्ट का, हाफ ईयरली और ईयरली का, आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। गोल्ड और सिल्वर में यही डिफरेंस है, टेस्ट के जो खर्चे हैं वो पेड बाय कंपनी है गोल्ड वेरिएंट में, और आपको पे करने हैं अगर आपने सिल्वर वेरिएंट लिया है तो। अब वेलनेस प्रोग्राम में टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं ये एक बार जान लेते हैं। जो हाफ ईयरली चेकअप होगा उसके अंदर जो ये लिस्ट दिखाई जा रही है आपको, HbA1c, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, BMI, डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, ये आपको सब सबमिट करनी होगी। एनुअल में जो साल में एक बार टेस्ट होगा वो ये वाले टेस्ट जो है कोलेस्ट्रॉल के, ECG, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सब होगा। SMA 12 भी आपको सबमिट करना होगा। SMA 12 के अंदर ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपको यहाँ पे LDL, HDL, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन, ये सारे टेस्ट आपको करवाने होंगे। गोल्ड प्लान है तो कंपनी के पैनल में जाके करवा सकते हैं, और अगर सिल्वर प्लान है तो आपको खुद करवाने होंगे, अपना पैसा पे कीजिए और ये टेस्ट जो है वो कंपनी में सबमिट करने हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये टेस्ट आपको सबमिट क्यों करने हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे ना कंपनी आपको कुछ पॉइंट्स देगी, वो पॉइंट आपके इकट्ठा हो जाएंगे और उनके बेसिस पे 2 तरह का आपको फायदा मिलेगा, वो कैसे मैं बताता हूँ। इस साइड जो आपको दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर आपके पॉइंट 29 से 32 के बीच में, जो टोटल आपके जो टेस्ट के हिसाब से, अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, यानी अगर आपका क्रिएटिन अच्छा है, जो आपका ब्लड लेवल है, ब्लड के टेस्ट है वो काफी अच्छे हैं, तो उसके बेसिस पे कंपनी आपको पॉइंट देगी। अगर आपके पॉइंट जो 29 और 32 के बीच में है तो जो रिन्यूअल आप करवाएंगे अगले साल अपने पॉलिसी, उस पर 25% का डिस्काउंट आपको कंपनी देगी रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर, और रिन्यूअल इंसेंटिव भी है, यानी इसी जो आपका रिन्यूअल अमाउंट है उसका 25% अमाउंट के आप खर्चे कंपनी से रिइंबर्स भी करवा सकते हैं अपने किसी भी हेल्थ केयर बेनिफिट के लिए। वो हेल्थ केयर बेनिफिट कौन कौन से वो भी मैं आपको इसी पॉइंट की बात बता दूंगा। अगर आपके पॉइंट जो है 25 से 28 के बीच में है तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसी तरह से 20% अमाउंट के खर्चे आप रिइंबर्स भी करवा सकते हैं अपनी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े हुए। 16 से 24 के बीच में अगर आपके पॉइंट से 10% डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर, और 10% का ही खर्चा आप रिइंबर्स भी करवा पाएंगे। 8 से 15 पॉइंट है तो 5% का डिस्काउंट, और 8 पॉइंट से कम है तो कोई भी डिस्काउंट और कोई भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो डिस्काउंट है वो तो आपको मिल गया डायरेक्टली, आप रिन्यूअल प्रीमियम पे पा लेंगे 25, 20, 10 और 5% का, लेकिन जो रिइंबर्समेंट का खर्चा है 25%, 20%, वो आप कौन कौन सी फैसिलिटीज के अगेंस्ट ले सकते हैं। अगर आपके कोई भी डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस हैं इस पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान, मेडिसिन या ड्रग्स के चार्जेस हैं, डायग्नोस्टिक आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, डेंटल एक्सपेंसेस हैं या अदर कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो किसी और मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं है, वो खर्चा आप रिइंबर्स करवा सकते हैं। कितना परसेंट, जितने पॉइंट्स के स्लैब में आपका परसेंटेज आ रहा है, मान लो आपका 20% का रिन्यूअल का डिस्काउंट मिला है तो 20% आप इस तरह के खर्चे इंश्योरेंस कंपनी से रिइंबर्स करवा सकते हैं इनके इनवॉइसेस सबमिट करके। ओरिजिनल इनवॉइसेज आपको देने होंगे कंपनी को, और इस तरह का कोई भी खर्चा अगर आप रिइंबर्समेंट नहीं करवाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं 20% आपने इस साल क्लेम नहीं किया तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, साल के साल ही आपको इनको रिइंबर्स करवाना होगा अगर इस तरह के कोई खर्चे होते हैं, तो ये बहुत यूनिक बेनिफिट। अब दोस्तों बारी आ जाती है वेटिंग पीरियड की, यानी कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर है स्पेसिफिक डिजीज का। कुछ ऐसी लिस्टेड बीमारियां हैं जो कंपनी ने अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में बताई हैं, वो 24 महीने के बाद कवर होंगी, यानी आज आपने पॉलिसी खरीदी, 2 साल उसको कंटिन्यू रिन्यू करवाएंगे तो उन बीमारियों का इलाज कवर किया जा सकता है। वो कौन कौन सी है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ये जो लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड में लिखा है ENT, ENT से जुड़ी हुई जो भी प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ इस कॉलम में लिखे हैं, और जो भी सर्जरीज हैं वो राइट साइड में जो लिखी हुई हैं, ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी।
ऐसे ही गायनेकोलॉजिकल जो है वो सर्जरीज हैं और साथ में ट्रीटमेंट्स हैं, ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है या कोई भी हड्डियों से जुड़ा हुआ प्रोसीजर और ट्रीटमेंट है, ये 24 महीने बाद कवर किया जाएगा। कोई भी सर्जरी ऑफ हर्निया है या इस साइड ये आपका गैस्ट्रो के जो ट्रीटमेंट्स है वो लिखे हैं, ये भी 24 महीने के बाद कवर होंगे। यूरोजेनिटल है, सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट है, ये भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो 24 महीने बाद कवर होगा। आई से जुड़ा हुआ कैटरेक्ट का है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ग्लूकोमा है, ये भी 24 महीने बाद कवर होगा। और ये जो पूरी लिस्ट है इसका जो PDF का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सी सर्जरीज ऐसी हैं जो 24 महीने के बाद आपको कवरेज उनकी मिलती है। अब दोस्तों बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, यानी जो दिक्कतें आपको प्लान लेते टाइम है, ये पॉलिसी खरीदते टाइम है, वो पॉलिसी खरीदने के 24 महीने बाद कवर होंगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी ये दिक्कतें पहले दिन से कवर हो जाएंगी। वो कौन कौन सी ऐसी 5 जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज आपको पहले दिन से मिलेगा। पहला तो है Type 2 और Type 1 डायबिटीज, यानी किसी भी तरह की डायबिटीज आपको है तो उसका इलाज पहले दिन से कवर है। IFG IGT, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये दोनों ही प्री डायबिटिक कंडीशन होती हैं, ये भी इसमें कवर्ड फ्रॉम डे 1 है। और हाइपरटेंशन, अगर हाई BP अगर रहता है पेशेंट का, तो ये पांचों दिक्कतें जो हैं इन पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है भाई? क्योंकि ये प्लान ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो डायबिटिक है या उनको हाइपरटेंशन है, तो अगर वेटिंग पीरियड होगा तो बाकी प्लान ही ले लेंगे, तो फिर इस प्लान को लेने का क्या फायदा है? इस प्लान को लेने का यही फायदा है, अगर इन पांचों दिक्कतों में से कोई भी दिक्कत पेशेंट को है तो वो पहले दिन से कवर है। Type 1 और Type 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर प्री डायबिटिक की ये दोनों कंडीशन है, IFG और IGT, तो पहले दिन से ही कवरेज आपको मिलेगा, इन पे वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। इनके अलावा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, थायराइड है या और कोई दिक्कत है, वो 24 महीने बाद उसका ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया है कवरेजेस के बारे में और सारे बेनिफिट्स हमने समझ लिए हैं, अब इसके कुछ एक्सक्लूजन्स मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जो ट्रीटमेंट ये कंपनी कभी भी कवर नहीं करेगी, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अदर देन डायबिटीज और हाइपरटेंशन। मैंने आपको बताया डायबिटीज और हाई BP से जुड़ी हुई कंडीशन के अलावा कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो 24 महीने यानी कि 2 साल के बाद कवर की जाएगी। कॉन्जेनिटल एक्सटर्नल डिजीज, यानी जन्मजात अगर कोई दिक्कत है, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं तो वो इस प्लान के अंडर कवर नहीं होगी। एक्सीडेंटल के बाद अगर कॉस्मेटिक सर्जरी या मेडिकल नीड से कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है वो कवरेज मिलेगा। एब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट और हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर अल्कोहल या किसी भी नशीली वस्तु की वजह से अगर कोई शरीर को हानि होती है, कोई कंडीशन डेवलप होती है, तो वो इलाज भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू वॉर एक्ट, अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो भी वो इस प्लान के अंडर कवरेज नहीं मिलेगी। प्रेगनेंसी, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ इस प्लान के अंडर कवर नहीं है। एक्सटर्नल एड्स, यानी बाहर से अगर कोई मशीन लगवाते हैं सुनने की या और कोई बाहरी जो सहारा लेने के लिए कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट लेते हैं या कोई अप्लायंस लेते हैं, वो इसके अंदर कवरेज नहीं मिलेगी। 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा स्पेसिफिक इलनेस के लिए। स्पेसिफिक इलनेस मैंने आपको बताया था जो लिस्ट है इन बीमारियों की कौन कौन सी है, मेजरली कैटरेक्ट है यानी मोतियाबिंद, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि जो जॉइंट की सर्जरीज होती हैं वो, सर्जरी ऑफ हाइड्रोसिल एटसेट्रा, ये सभी सर्जरी 24 महीने के बाद करूंगी। हालांकि डिटेल लिस्ट मैंने आपको बताया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा जो पॉलिसी वर्डिंग्स हैं उनमें से। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, ये कुछ इस तरह के खर्चे हैं जो नॉन मेडिकल आइटम्स के होते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिरिंज है, बैंडेजेस हैं, तो वो खर्चे भी इसमें कवर नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटिव एंड अनप्रूवन ट्रीटमेंट डिवाइसेज एंड फार्माकोलॉजिकल रेजिमेंस, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई अनप्रूवन ट्रीटमेंट है जिसका आज तक कोई साइंटिफिक ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये किसी बीमारी का ट्रीटमेंट है, अगर ऐसा कोई इलाज आप करवाते हैं तो वो कवरेज इस प्लान के अंदर नहीं मिलेगी। ये अभी 7-8 जो इंपॉर्टेंट जो एक्सक्लूजन्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये 40 या 50 से ज्यादा टोटल एक्सक्लूजन्स हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। आप चाहें तो आई बटन पे लिंक क्लिक करके आप जो पूरा डिटेल्ड एक्सक्लूजन जो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक, वो भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप इस प्लान की पॉलिसी वर्डिंग्स जरूर पढ़ें, क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ के ही प्लान लेना चाहिए। उसके अंदर भी आपको एक्सक्लूजन्स की डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी जहां पे आप सारे एक्सक्लूजन्स के पॉइंट चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं जब आप ये प्लान खरीदते हैं, तो इन बातों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि पॉलिसी आपको जब खरीदनी है तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जरूर सबमिट करें। जो भी पेशेंट हैं, जो भी इंश्योर्ड हैं, जो ये प्लान ले रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप करवा के इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें और तभी ये पॉलिसी खरीदें, ताकि कंपनी कल को क्लेम के टाइम पे ये ना कहे कि कोई ऐसा फैक्ट था, ऐसी दिक्कत थी जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई है। क्योंकि हो सकता है अगर अभी कंपनी ये पॉलिसी हमें देने से मना भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा प्लान ले लेंगे जो डायबिटिक स्पेसिफिक प्लान है, कोई और कंपनी का प्लान ले लेंगे। लेकिन अगर कोई फैक्ट उन्हें नहीं पता होता है और कल को क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा क्लेम के पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, जो ये हम प्रीमियम भर रहे हैं इस पॉलिसी का ये भी वेस्ट हो जाएगा। तो फुल बॉडी चेकअप करवा के ही ये प्लान खरीदें ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें और कंपनी आगे ये बहाना ना ले पाए
कि आपने कोई फैक्ट या बात हमसे छुपाई थी। दूसरा, कोई भी फैक्ट या डायग्नोसिस आपको छुपाना नहीं है। अगर आप कोई दवाई फिलहाल ले रहे हैं, कोई आपने पीछे ट्रीटमेंट करवाया था, कोई ऑपरेशन करवाया था या कोई डायग्नोसिस हुआ था, वो सारे फैक्ट और डायग्नोसिस आपको कंपनी को बताने हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको डॉक्टर को फ्यूचर में ट्रीटमेंट लेंगे उनको बताने पड़ेंगे और फिर वो कंपनी के नोटिस में आएंगे, और अगर उनको पहले से नहीं पता होगा तो क्लेम रिजेक्शन का ये कारण बन सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एनुअल प्रीमियम चूज करना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि मंथली फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में सबसे सेफ जो है वो एनुअल फ्रीक्वेंसी है। सालाना प्रीमियम आपको भरना चाहिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर दी है तो। रीजन क्या है, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम्स के मिस होने के चांसेस ज्यादा है। 1% कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है आपके बैंक में, या कोई आपका जो मैंडेट है वो अच्छे से एक्टिव नहीं होता है, या फिर अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है किसी दिन और किसी चीज के पैसे कट गए और ये प्रीमियम सबमिट नहीं होता और आपको पता भी नहीं चला, तो ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आगे जाके आपकी कवरेज में दिक्कत आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है, पॉलिसी वर्डिंग्स आपको जरूर पढ़नी है। मैं हमेशा ये बार बार कह रहा हूँ कि बिना पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़े कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि जो ब्रोशर में आपको मिलता है वो सब हाइलाइट्स मिलती हैं, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के ही आप पॉलिसी खरीदने के लिए बिल्कुल उतावले हो जाएंगे, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो क्लेम रिजेक्शन के रीजन है, वो सब आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिलेंगे, तो उसको जरूर पढ़ें। पांचवा पॉइंट है कि अपने शहर में कैशलेस लैब्स और कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर चेक कर लें। जो भी ट्रीटमेंट आपको लेनी है, ये टेस्ट करवाने हैं जो हमने बताए हैं गोल्ड और सिल्वर प्लान में जो आपको करवाने हैं, इनके जो लैब्स हैं वो पैनल हॉस्पिटल जो हैं वो आपके शहर में काफ़ी हैं या नहीं है वो ज़रूर चेक कर लें। और सबसे फाइनल पॉइंट, प्राइस ज़रूर कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो डायबिटिक्स से जुड़े हुए प्लान आपको देते हैं। जब आपको ये प्लान पसंद आ जाए तो एक बार प्राइस ज़रूर कंपेयर करें, कहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा तो आपको नहीं पड़ रहा है, ताकि आप सही पॉलिसी खरीदें लेकिन वो भी बिल्कुल सही दाम में। अब दोस्तों, ये HDFC अर्गो का एनर्जी प्लान बिल्कुल हमने डिटेल में समझ लिया है, सारी कवरेजेस मैंने आपको बता दी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी हैं और खरीदने का सही तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। किसी भी पॉइंट से जुड़ा हुआ, किसी भी फीचर से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो देरी ना करें, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएं और मेरे लिए सवाल छोड़ दें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप कुछ और चेंजेस चाहते हैं समझाने के तरीके में, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी वीडियो को लेकर कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक या प्लान का वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम सब, आप और मैं, एक परिवार का हिस्सा हैं और आपस में जितना हम शेयर करेंगे, जितना एक दूसरे को समझेंगे, जितना एक दूसरे को सलाह देंगे बताएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा और चीजें उतना ही बेहतर होती जाएंगी। तो दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।